हेलो स्टूडेंट्स, अभी ओमिक्रॉन गया ही नहीं था कि एक और उसका भी म्यूटेंट रूप आ गया है जिसका नाम है डेल माइक्रॉन। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने बोला डेल माइक्रॉन। ये डेल माइक्रॉन जो है वो डेल्टा और ओमिक्रॉन के फीचर से बना है। बिल्कुल डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन को अगर हम देखते हैं तो इसका ही म्यूटेटेड फॉर्म है क्या, डेल माइक्रॉन। डेल माइक्रॉन जो है वो इसमें दोनों के फीचर है, डेल्टा प्लस के और ओमिक्रॉन के। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो ये डेल्टा से कितना, 5 गुना ज्यादा इफेक्टिव संक्रामक है, कौन, ओमिक्रॉन। और ये जितना डेल्टा वेरिएंट 100 दिनों में फैला था उतना ही अकेले ओमिक्रॉन 15 दिनों में फैल गया। कितना, 15 दिनों में फैल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रॉन का टेस्ट से पता नहीं चल रहा है, मतलब टेस्टिंग में आपका कोई रिजल्ट नहीं है कि हाँ आप पॉजिटिव हो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है। तो ये जो डेल माइक्रॉन आया है ये ओमिक्रॉन का भी, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं है, मतलब WHO या ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये जो डेल माइक्रॉन जो शब्द है वो किसने दिया है, न्यूज़पेपर के द्वारा ये निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा न्यूज़पेपर वाले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो फीचर्स देखे जा रहे हैं वो डेल्टा और ओमिक्रॉन को मिला के हैं, मतलब इन दोनों का सम्मिलित रूप आप देख सकते हैं, उसका नाम है क्या, डेल माइक्रॉन। ओके, अब डेल माइक्रॉन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि ये म्यूटेटेड फॉर्म है ओमिक्रॉन का। किसका, ओमिक्रॉन का म्यूटेटेड फॉर्म है। और इसके बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं US और UK में, यूरोप और अमेरिका में इसके बहुत से केसेस देखे जा रहे हैं, और साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे केस निकल के सामने आए हैं। और अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी इंडिया में भी 362 अप्रोक्स, लगभग 362 केसेस इंडिया में भी आ चुके हैं। तो बिल्कुल अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी जो अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं कई जगह पे, वो हो सकता है फिर से बंद हो जाएं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया। जी बिल्कुल, यूपी में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। शादी विवाह में जाने में पाबंदी लगा दी गई है कि 200 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते। मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन रैली पे रोक नहीं लगाई है, चुनावी रैली अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी बंदिशें लगाई जा रही हैं। तो बिल्कुल आपसे यही कहूंगी, स्टे सेफ, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू सो मच।